नगर के रहने वाले जितेंद्र, अहमदनगर के रहने वाले बच्चे रिजवान नामी बच्चा स्विगी में काम करता था, उनको ऑर्डर आने पर बंजारा हिल्स पर जाकर थर्ड फ्लोर पे ऑर्डर डिलीवरी करने गया तो कुत्ता जैसा डोर खोले कुत्ता आंख पे आया, शायद कतरा भी वो डर से पीछे हटने में पाँव फिसल के बैल्कनी में से गिर गए थर्ड फ्लोर पे से, मार हुए पड़े थे तो वो लोग लेके आके एडमिट करे तीन चार दिन हुआ, आज अभी पता चला एक घंटा पहले इंतकाल हुआ बोल के। तो जैसा मेरे को भी पता चला, शरीफ भाई हमारे कॉरपोरेटर साहब को भी पता चला, तो हम लोग इधर आए। तो यहाँ के युद्ध जो है यही था कि यहाँ से हम लाश को जाने नहीं देंगे, यहाँ से बॉडी को यहाँ से नहीं ले आने देंगे जब तक कुछ भी उनके ऊपर एक्शन नहीं होता। FIR बुक हुई, PS में बोल रहे हैं FIR बुक हुई, लेकिन FIR कॉपी नहीं दी अब तक। तो मैं अभी सर्कल साहब से बात किया था, तो सर्कल साहब बोले अभी पूरे लोग चले गए साहब, कैसा भी पोस्टमार्टम होने करने कल तक का टाइम है, कल सुबह 10 बजे मैं उनको भी बुलाऊंगा, जो आपका डिमांड है मैं बात करूंगा, बात करके कराएंगे। हम भी यही चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे का इंतकाल हुआ, अब उन्हों कमाने वाला था बाबा बेचारा लेबर काम करने वाला, उन्हों कभी ना काम मिलता कभी नहीं, 200-500 रुपये कमा के खाने वाले लोग हैं, अब एकदम बेटा चले गया तो उनका हाथ टूट गया है। किसी का मौत होना छोटी मोटी बात नहीं है, ताकि फ़ोन पे बात होने पे भी वो बोल रहे कोई लेडीज है, वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, जितना करना था हम देख लिए कर लिया, जो करते कर लो आप बोल रहे, बल्कि बताइए लोग, मुझे तो नहीं पता, मगर हम कल बात करेंगे, सर्कल साहब को बोल के बुलाएंगे, अगर वो FIR क्या हुआ वो भी चेक करेंगे, क्या क्या केस डाले उसके ऊपर और क्या केस बनते वो केसेस डालना, और जो है अगर उन्होंने कुछ बात करके कंपनसेशन देना चाह रहे हैं, उनके बवाल लेना चाह रहे हैं, तो फिर वो बात करके हम इंशाल्लाह कराएंगे। हमारा ये उनके वालिद साहब का ये डिमांड है कि अब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, अगर मेरा बेटा चले गया जो कमाता था तो मेरे कुछ भी हो सका, अगर आप लोग कुछ करा सकते तो कराइए बोल के उनका डिमांड है, कोशिश करके हम जो हो सकता है इंशाल्लाह बराबर कराएंगे।